अब हम 1857 की रिवॉल्यूशन का, संग्राम का, विद्रोह का, क्रांति का इवैल्यूएशन तैयार कर सकते हैं कि अंततः हम इसके बारे में क्या माने। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको जितने भी हिस्टोरियन थिंकर्स रहे हैं उन्होंने इसे अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखा है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव से तो देखा ही है, साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है रिसर्च नई नई हुई और नई रिसर्च ने इसके परसेप्शन को चेंज किया है या कह सकते हैं मॉडिफाई किया। ठीक है, क्यों? क्रांति 57 में हुई होगी तो जाहिर सी बात है तुरंत तो इवोल्यूशन हुआ नहीं होगा। या आज आप चाहे तो आज भी आप नई रिसर्च करके इसमें कुछ चीज एड ऑन कर सकते हो या पुरानी चीज को हटा सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे क्रांति के मूल्यांकन का रिसर्च हुआ और रिसर्च में कुछ पॉइंट्स ऐड होते चले गए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद दो भाग करेंगे आप। आजादी से पहले क्योंकि किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ब्रिटिश इतिहासकारों का या भारतीयों का भी रहेगा, तो वो भी किसके प्रभाव में रहेंगे, ब्रिटिशर्स के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसा लगेगा कि क्रांति केवल और केवल क्या है, सिपाहियों का विद्रोह है। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि पहला वर्ग उन लोगों का है और उस समय का है अधिकांश का है जब भारत आजाद नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने क्या कहा है कि ये केवल सिपाहियों का विद्रोह था, म्यूटिनी थी, और ऐसा कहने वाले अंग्रेज इतिहासकार ज्यादा हैं। अगर कुछ भारतीय हैं तो वो भी क्या है, अंग्रेजी के प्रति वफादार माने गए हैं, तो उन्होंने भी इसी बात को स्टेब्लिश करने की कोशिश की। क्या मानते हैं अंग्रेज इतिहासकार, कौन है उन्हें अभी हम लिखने वाले हैं अभी, कि बंगाल आर्मी के ऊंची जाति के लोग घमंडी थे, धार्मिक थे, रूढ़िवादी थे। उन्होंने अपनी जाति के जो फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनको बचाने के लिए सब किया। ठीक है, तो कौन कौन मानता है ऐसा, उनका नाम चाहो तो लिख लो। ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर, लॉरेंस और शीले। ठीक है, और उनसे पूछा गया तो फिर इसमें मुसलमानों ने साथ क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो समस्या थी नहीं, मुसलमानों को समस्या सबसे लास्ट में हुई जब चर्बी वाले कारतूस का इशू आ गया, तो चूंकि उनका धर्म भी प्रभावित होने लगा तो वो भी साथ देने लगा। लेकिन मेन पॉइंट किसका था, हिंदू उच्च जाति के सैनिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए ये केवल एक सिपाही म्यूटिनी है। ठीक है, तो तीन थिंकर्स, ट्रेवेनियर, लॉरेंस और शीले, इन लोगों ने इसको फोकस किया। ठीक है, अब हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमें इनकी बात को कंसिडर करना। इन इतिहासकारों ने ये बताने के लिए कि क्रांति नहीं थी, बल्कि ये भी बता दिया कि ये सैनिक कैसे हैं, लुटेरे हैं, यानी ये विद्रोह नहीं है, क्योंकि लूट होना एक अलग बात है और विद्रोह ही होना, क्रांति होना दूसरी बात है। तो उनकी छवि बिगाड़ने के लिए और ये कहने के लिए कि विद्रोह नहीं है, उनको क्या मान लिया, सैनिकों को बर्बर, रेपिस्ट, लुटेरा, धर्म के प्रभाव से प्रभावित, जातिवादी। इसलिए विद्रोह ने होकर क्या था, ये एनार्किक क्राउड था, अराजक भीड़ कहा उन्होंने उसे। तो इससे उनके द्वारा किया गया काम कैसा और लगने लगेगा, थोड़ा हल्का लगने लगेगा, उनके प्रति हमारी सिंपैथी नहीं रहेगी, वो आजादी का आंदोलन नहीं बनेगा, है ना। अब इसमें वो लोग भी जुड़ गए जो भारतीय थे लेकिन अंग्रेजों के पैठ हैं, और सबसे बड़ा नाम क्या है,
सैयद अहमद खान का है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, आशा लिखा है ना इसमें, आशाब होना चाहिए फर्सिया में, आशाब ए बगावत ए हिंद, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि ना तो विद्रोह है आप देख रहे होंगे, ना ही ये राष्ट्रीय है, ना ही ये नियोजित है, ना ही ये विद्रोह था, और लड़ने वाले तो कंपनी के बराबर नहीं थे, तो फिर इसे विद्रोह कैसे मान लिया जाए। ठीक है, तो मुसलमान क्यों लड़ने आगे उनसे पूछा गया था, बोला ये तो केवल मुसलमान बेवकूफ थे, नहीं समझ पाए, उनके बहकावे में आ गए, और ये केवल सिपाही विद्रोह। ठीक है, विद्रोह भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ अनुशासनहीन अनडिसिप्लिन सिपाहियों की ये अवज्ञा थी और कुछ नहीं था, यानी बहुत छोटा मोटा रिवोल्ट था, जैसे बाकी हो रहे तो ये भी हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगली किताब उन्होंने लिखा मुसलमानों को बचाने के लिए, द रॉयल मोहम्मडंस ऑफ इंडिया में लिखा कि जो एलिट क्लास मुस्लिम है, भद्र मुस्लिम है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप ध्यान से देखो कि ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवोल्ट है ही नहीं, तो ये अलग बात है कि उनका जवाब रजनीकांत गुप्त ने दिया, लेकिन वो भी थोड़े से कैसे हो गए, इंक्लाइन हो गए, और उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों का विद्रोह था, हिंदू तो केवल साथ में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, विभिन्न राजाओं का। कल भी आपने देखा दिल्ली कानपुर लखनऊ अधिकांश जगह जो राजा वर्ग है वो कौन है, मुस्लिम है ना, हिंदू की मात्रा में नहीं। तो उन्होंने उदाहरण किसका दिया, कल मैंने आपको बताया था नाना साहब का, कि नाना साहब हिंदू थे और उनको सलाह देने वाले उनके जो सलाहकार थे, वो कल आपको मैंने लिखाया था अजीमुल्ला खान, इन्होंने सलाह दी थी हमें क्रांति करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने रजनीकांत और सैयद अहमद खान जैसे लोगों ने क्या देखा, इसे धर्म के चश्मे से देखा है ना। इसी भूमिका में बनारस के राजा हैं शिव प्रसाद, सितार ए हिंद इनका टाइटल था, सितारे लिखा है ना, ये सितार ए हिंद होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भी इसी दृष्टिकोण से देखा। तो ये पहला सेक्शन था जो क्या मान रहा है, केवल म्यूटिनी मान रहा है या केवल धर्म की लड़ाई मान रहा है और कुछ नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते, ऐसा मानने से क्रांति का जो इम्पैक्ट है या जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सेकंड वाले को हिंदू मुस्लिम कॉन्स्परेसी भी कह सकते हैं, कुछ लोगों ने क्या मान लिया, ये हिंदू मुसलमानों की कॉन्स्परेसी है। कुछ लोगों ने इसे बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का क्लैश माना है, बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष। तो इस आदमी का नाम लिख लेंगे होम्स, HOMES, PR होम्स, कहता है कि बर्बर यानी भारतीय सिपाही और मुसलमान हिंदू सिपाही बर्बर हैं, और ब्रिटिश क्या है, क्रिश्चियनिटी सिविलाइज है, तो ये तरीके से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म है, बिटवीन बार्बरिज्म, जबकि हम मानेंगे कि ये पूर्णतः सच नहीं है, ये केवल उन इतिहासकारों की या उनकी समझ है केवल। ठीक है, अब दूसरे छोर पर आते हैं वो लोग जो इसे अलग एंगल से देखेंगे, और उनको कहा जाता है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, राष्ट्रवादी इतिहासकार। ठीक है, उन्होंने ठीक उल्टा बोला कि भारत का पहला मूवमेंट है और आजादी का मूवमेंट, उल्टी बात की उन्होंने, विपरीत बात की। क्यों किया, तो उसको उदाहरण भी दिया उन्होंने कि इसमें राजे रजवाड़े भी आए, यानी रियासतें के लोग भी आए, रानी झांसी नाना साहेब लड़ रहे हैं, सिपाही भी आ रहे हैं, सिपाही भी देखे,
किसान भी आ गए हैं, आम जनता भी आ गई। तो जब इतने लोग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये केवल सिपाहियों का विद्रोह तो नहीं हो सकता, है ना। तो हम भी मान लेते हैं इसी लॉजिक की वजह से कि ये केवल सिपाहियों का विद्रोह तो नहीं है, ये उससे बढ़ के है। राष्ट्रीय है या नहीं वो बात की बात है। खैर, इस आइडियोलॉजी को डेवलप करने में सबसे बड़ा नाम किसका है? विनायक दामोदर सावरकर का है, जिनकी किताब आपको जाननी चाहिए, जो 1908 में लिखी गई थी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना, जो क्रांतिकारियों की बाइबल कही जाती थी आगे चलकर। और अच्छा पॉइंट है जो आपने प्री में नहीं पढ़ा था कि पहली बार रानी झांसी का जो इतिहास है वो भारतीयों के सामने कब आया, तो इसी किताब में सावरकर ने रानी झांसी को हाईलाइट किया था। इससे पहले के लोग रानी झांसी के बारे में कुछ नहीं जानते, यहीं से रानी झांसी क्या है, लोगों की, क्रांतिकारियों की आइडियलिस्ट बनेंगी, आइडियोलॉजी प्रभावित करेंगी यहाँ से। ठीक है, उन्होंने और क्या माना कि सैनिक विद्रोह नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो सकता, चर्बी वाले कारतूस उतना बड़ा इश्यू नहीं था, चर्बी वाला कारतूस उतना बड़ा इश्यू नहीं है। उसका रीजन भी है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और मेरा भी मानना है कि अगर चर्बी वाले कारतूस इश्यू होते, अगर मुद्दा बनता, तो साउथ इंडिया के लोगों ने क्यों नहीं रिवोल्ट किया, पश्चिम के लोगों ने क्यों नहीं रिवोल्ट किया, गाय और सुअर तो उनके लिए भी मुश्किल था ना। सैनिक तो साउथ में भी थे लेकिन वहां कोई विद्रोह नहीं हुआ, मेरठ में हो रहा है लेकिन सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ के लोग गाय और सुअर को अच्छा मानते थे, मतलब उस फैटेड ब्लड्स को? नहीं ना। तो लॉजिक उन्होंने ठीक दिया और हम भी सहमत हो सकते हैं कि चर्बी वाला कारतूस मुद्दा हो सकता है लेकिन मेन मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो पूरा भारत रिवोल्ट करता, क्योंकि आज भी गाय सबके लिए सेंसिटिव है और सुअर सबके, मुसलमानों के लिए सेंसिटिव। खैर, तो उन्होंने क्या माना, फिर बोला क्या है ये? इसमें उन्होंने कहा कि दोनों एक साथ लड़े तो हिंदू और मुस्लिम पर बेस्ड जो स्वराज की इच्छा थी और अपना धर्म स्थापित करने की इच्छा थी वो इसके लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, दोनों ही मिलके चाहते हैं कि हम अपना ऑटोनॉमी, अपना रूल लेकर आए। ये दूसरा वर्ग है जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों का है। ठीक है, ठीक विपरीत है। तीसरी क्लास मार्क्सिस्ट क्लास है और उन्होंने इसे इकोनॉमिक नजरिए से देखा, कहा कि ना तो धर्म का मुद्दा था, है ना, ना ही सिपाहियों का मुद्दा था, मूल चीज थी इकोनॉमिक क्राइसिस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदा की थी। उन कार्यों ने सभी लोगों को परेशान किया, चाहे किसान हो, सिपाही हो, राजा हो, आम जनता हो, सबने, सब प्रभावित थे कंपनी के कार्यों से। कौन से कार्य? रेवेन्यू संबंधित कार्य, क्योंकि उस रेवेन्यू से क्या होने लगा था, पुराने जमींदार भी समस्या महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम में थे। तो जो ओल्ड लैंड होल्डर्स क्लास है वो भी इस रिवॉल्यूशन में क्यों आ गया, जैसे कुंवर साहब और भी कई सामंत थे जो इस क्रांति में लड़ रहे थे, भला उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, वो तो खुश होने चाहिए थे। लेकिन ये मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये क्लास भी जो ब्रिटिशों की कभी फेथफुल हुआ करती थी, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के बारे में सोच लिया था। ठीक है, क्योंकि इनकी जमींदारियां भी छीन ली गई थी। तो आप पढ़ेंगे, इस समय एक एक्ट आया था और उस एक्ट में इंक्वायरी हुई थी और ये पाया गया कि 20,000 जमींदार सरकार को अच्छे से टैक्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हटा दो।
1856-57 में क्या हुआ था, इन जमींदारों को हटा दिया गया था, 20,000 जमींदारों को उनकी जमींदारी से। क्वेश्चन बनता है कि किस इंक्वायरी में ऐसा हुआ था, किस कमीशन में ऐसा हुआ था, तो आपको लिखना होगा इनाम कमीशन, इनाम, जिसकी एक रिपोर्ट से 20,000 से ज्यादा जमींदार अपनी जिम्मेदारी खो चुके थे, तो वो जिम्मेदार है इसके लिए। इनमें कौन कौन है, एम एन रॉय, आप देख रहे होंगे, किताब भी आपके सामने है, पूछी गई है, और रजनी पाम दत्त, जिनको आप कई बार पढ़ चुके हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ में, इनकी किताब भी आपके सामने है। और इनमें से फोकस किसने किया, राय ने, क्या माना कि मुख्य कारण पतन होती, समाप्त होती सामंती प्रणाली थी, भारत में सामंतवाद का अंत है। और आपको भी समझ में आना चाहिए, आपको याद होगा भारत में उपनिवेशवाद के आपने कुछ चरण पढ़े थे, है ना, तो उन चरणों को अगर ध्यान से देखो तो ये वित्तीय पूंजीवाद का दौर था, औद्योगिक पूंजीवाद का दौर था, और जहां उद्योग आ जाएगा जाहिर सी बात है सामंतों को जाना होगा। शुरुआत की क्लासेस में अगर आप वो तीन जो हमने पाठ किए थे उनकी प्रणाली के, तो ये दौर वो दौर है जब पूरे विश्व में सामंत समाप्त हो रहे हैं और उनकी जगह पर कौन आ रहा है, नया पूंजीवाद, और आपने लिखा था औद्योगिक व्यापारिक पूंजीवाद पैदा हो रहा है, ठीक है, यानी अब अर्थव्यवस्था सामंतों के हाथ में, जमीन के में नहीं रहेगी, अब अर्थव्यवस्था उद्योगों में दिखाई देगी। इसका मीनिंग समझ में आ गया, फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है और नया इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटलिज्म रेज कर रहा है, उदय हो रहा है। इसका मीनिंग सिंपल है कि अर्थव्यवस्था अब लैंड बेस्ड नहीं रहेगी, इकोनॉमी अब इंडस्ट्रियल बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और इसका नुकसान किसे होगा, जाहिर सी बात है सामंतों को होगा, तो वो इसमें रिवोल्ट करेंगे, ये चीजें कहीं नहीं मिलने वाली। मैं आपको, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। खैर, और इसमें क्या कहा, जैसे रजनी पाम दत्त ने, इसमें उन्होंने किसानों की भूमिका दिखाई, क्योंकि अंततः किसको समस्या उठानी पड़ती थी, किसानों, हर तरीके से किसान परेशान थे। और इन किसानों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, वही फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कभी उनके दुश्मन हुआ करते थे, या वो फ्यूडल लॉर्ड किसानों का दोस्त बन गया, क्योंकि अब फ्यूडल लॉर्ड्स को अंग्रेजों से लाभ नहीं, नुकसान हो रहा उल्ट, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट जो है वो एक तीसरा एंगल दिखा रहे हैं, और हम सहमत है कि ऐसा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा ही था, मानेंगे हम इसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने कमी कर दी, कमी क्या कर दी, हमारे हिसाब से कमी है कि उन्होंने कहा कि ये नेशनलिस्ट करेक्टर नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं, क्योंकि राष्ट्रवादी क्यों नहीं था, क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद की फीलिंग ही कहीं नहीं थी। तो ये चीज मानी जा सकती है कि इस समय नेशनल बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं, इनफैक्ट यहाँ के बाद से ही नेशनल बिल्डिंग बनना भारत में शुरू हो गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं कह सकते इसे, कल भी आपने एरिया देखा था, क्योंकि राष्ट्र तो पूरा भारत है ना, और अगर पूरा भारत राष्ट्र होता तो आपने कल ये जो फिगर देखा, ये वाला, ये जो रेड एरिया है वो पूरे भारत में होना चाहिए था, क्या भारत में है, नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, महत्वपूर्ण है लेकिन छोटा है, बाकी भारत तो टच में भी नहीं है। तो ये नहीं कह सकता कि सभी लोग शामिल थे, हाँ जिन एरियाज में हुआ वहां के सभी लोग शामिल जरूर थे, ये हो सकता है, लेकिन पूरा भारत शामिल नहीं था। ठीक है ना, तो तीसरा व्यू हमें मिल गया किनका, मार्क्सिस्ट का। चलिए, अब
हम बात करेंगे आजादी के बाद की। अच्छा ध्यान रखना, ये जो मार्क्सिस्ट व्यू है ना, वो आजादी के बाद का ही है। तो आजादी के बाद का जो एक इतिहास और है, जो 80 और 90 के दशक में लिखा गया, रिसर्च हुई नहीं, इन रिसर्च में बहुत लोगों की भूमिका है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मार्क्सिस्ट के बाद आजादी आई, आजादी के बाद के इतिहास और रिसर्च में मानकर माना गया कि एक सिविल रिवोल्ट था, सिपाही नहीं था। मतलब सिपाही तो था ही, तो कम से कम ये जरूर एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, इसमें सभी लोगों की भूमिका है, तो इसे एक सिविल रिवोल्ट माना जाना चाहिए, यानी इसे विद्रोह कहा जा सकता है, इसे क्रांति कहा जा सकता है, इसे आंदोलन माना जा सकता है। और इन लोगों में चौधरी सेन और के दत्त महत्वपूर्ण हैं। हमें जो मुख्य फोकस लाना है वो 80 और 90 के दशक का लाना है, जहां दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, मिस्टर मुखर्जी और चपाती राय। ठीक है, तो इन लोगों ने रिसर्च किया। मुखर्जी का रिसर्च है अवध का, तो आप देखेंगे रिसर्च किया उन्होंने अवध के क्षेत्र में, और उन्होंने किसानों को रोल बड़ा महत्वपूर्ण बताया, और ये स्थापित करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिपाही नहीं थे। उन्होंने कहा कि आरंभ में सिपाहियों ने शुरू किया और फिर किसान भी उसमें शामिल हो जाते। अन्य प्रमुख ताकतें हैं, राजे और रजवाड़े भी शामिल हो जाते, रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हो जाते, बेगम हजरत महल भी शामिल हो जाती है। यानी यह तय हो गया कि केवल सिपाही विद्रोह तो नहीं है, ये कंफर्म। अवध के तालुकादार, तालुकादार का मतलब लैंड होल्डर्स, इन ये भी शामिल हो गए। ये प्रूव करता है कि सभी वर्ग शामिल। वहीं राय ने क्या किया, सॉरी, बुंदेलखंड में अध्ययन किए, और उन्होंने देखा है कि वहां किसानों ने ब्रिटिश और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और महाजन, लोकल महाजन, सबको नष्ट कर दिया, या ऐसे सभी स्वरूपों को नष्ट कर दिया जो अंग्रेजी साम्राज्य के साथ खड़े थे या उनके शोषण में भागीदारी कर रहे थे। ठीक है, तो अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि यार ये केवल सिपाही रिवोल्ट तो नहीं, ये तो तय हो गया, जैसा कि अंग्रेज मान रहे हैं। क्लियर है, तो ये सब अंततः क्या है, ये हम रामविलास शर्मा जी को, भारत के महान इतिहासकारों में से एक हैं, आप इनकी किताब भी पढ़ते हैं, रामविलास शर्मा की है ना, पढ़नी भी चाहिए। इन्होंने दोनों नजरियों को मिक्स कर दिया, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। नेशनलिस्ट वही व्यू है जो मानेगा कि केवल सिपाही रिवोल्ट नहीं है, उनको वो क्या हो जाएंगे, सारे नेशनलिस्ट हो, जो कहेगा कि भारतीय लोगों ने, किसानों ने, जनता ने भागीदारी की, वो नेशनलिस्ट मान लिया जाएगा। मार्क्सवादी जो होगा वो केवल क्या देखेगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन के चलते रिवोल्ट हुआ। क्लियर है, तो रामविलास शर्मा का नाम लिखे बिना आप इनके कंक्लूजन को अपना कंक्लूजन मान लेंगे। और उनकी किताब कौन सी है, 1857 की राज्य क्रांति, स्टेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एंड मार्क्सिज्म, ये पूरी किताब का नाम, तो पूछी जाती है, पढ़नी चाहिए आप। ठीक है, जो ये कहेंगे वही हमारा अंतिम निष्कर्ष होगा। क्या कहा उन्होंने कि ये एंटी कॉलोनियल करेक्टर का था, बिल्कुल ठीक था, उपनिवेशवादी है, उपनिवेश का मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य का विरोध करने वाला है, इसमें रत्ती भर भी कोई, जो भी उस समय लड़ा वो सब अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ, उनकी सत्ता के खिलाफ लड़े थे, और जहां जहां लड़े वहां वो अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे। ये अलग बात है कि वो
पूरे भारत से अंग्रेजों को जाने के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपने एरिया से भारत अंग्रेजों को जाने के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल करेक्टर था उसके अगेंस्ट में था, तो एंटी कॉलोनियल करेक्टर का ये रिवोल्ट है। ठीक है, अब कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स हैं सभी वर्ग, जैसा हम बार बार बात करते आ रहे हैं, किसान हो, आम जनता हो, राजे रजवाड़े हो, यानी यहाँ तक कि जमींदार वर्ग भी शामिल। तो जब सिपाही भी शामिल था, जब आप सभी वर्ग कह देते हैं तो सिपाही से हटकर या सिपाही के अलावा बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही ये लोग शामिल होंगे, अभी विद्रोह नहीं रहेगा सिपाही का, क्या हो जाएगा, अभी क्रांति बनने लगेगी, है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह था, तो लगता है कि सिपाही शामिल हो, जब हम कहते हैं 1857 की क्रांति है, तो क्रांति बिना जनता के शामिल नहीं, कभी नहीं होती, क्रांति जनता ही करती है। तो इसलिए हम इसे क्रांति कहें तो बुराई नहीं है, आंदोलन कहें तो बुराई नहीं। ठीक है, अब जो लोग लड़ रहे थे, क्या वो आजादी के लिए लड़ रहे थे? ये पॉइंट अच्छा है। नहीं, आजादी का मतलब यहाँ आज गांधी की तरह 1930 की तरह आजादी नहीं थी। आजादी सेंस में थी कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम अपना मैनेजमेंट खुद कर लेंगे, हमारे इंटरनल मामलों में आप दखल मत दीजिए। सिपाही भी यही कह रहा है, सिपाही ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, सिपाही ये कह रहा है कि आप मेरे धार्मिक मामलों में मुझे चर्बी वाले कारतूस यूज करने के लिए मत भूलिए, आप मेरे सिंबल्स को उतारने के लिए मत भूलिए, लेकिन मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगा, मैं आपका काम करूंगा, आपसे तनख्वाह ले रहा हूँ तो आपके लिए काम करूंगा। आपने वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, अभी जो आई थी सारागढ़ी की लड़ाई वाली, नाम क्या था उसका, क्या नाम था अक्षय कुमार की उस मूवी का, केसरी, केसरी है ना। तो उसमें भी वो क्या बोलता है अक्षय कुमार की जो अपोजिट था, कि हम क्यों लड़े, ये कौन सा हमारा किला है, ये तो अंग्रेजों का किला है, हम इन अफगानिस्तानियों से क्यों लड़े। तो अक्षय कुमार क्या जवाब देता है कि नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि हम वॉरियर हैं, सिपाही हैं, हमारा काम लड़ना है, और हम अंग्रेजों से तनख्वाह ले रहे हैं, इसलिए हमें उतनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। ये अलग बात है कि हम अंग्रेजों को फॉलो नहीं करते, लेकिन चूंकि नौकरी कर रहे हैं इसलिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है वो, ये नहीं कह रहा है कि मैं अंग्रेजों का गुलाम हूँ या अंग्रेजों को मैं अच्छा मानता हूँ, कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन चूंकि मेरा काम है तो मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो सेम किसान भी कह रहे हैं कि भैया हम आपको टैक्स देंगे, सब देंगे, लेकिन आप हमारे इंटरनल मामलों में आप इंटरफेरेंस ना करें। तो जाहिर सी बात है कि ये फुल आजादी की लड़ाई तो नहीं, ये भी तय होता है इससे। आजादी किस सेंस में? जिस सेंस में जनता परेशान है, जिन मुद्दों पर जनता परेशान है, आप उनको सुधार कर दीजिए, वहां तक की लड़ाई है। ठीक, और उन्होंने क्या माना, जो हम पहले भी मान चुके हैं, कि इससे भारत में एक नई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा हो, और बिल्कुल भी क्या पैदा हुई, और ये क्रांति का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था कि हम एकजुट हो सकते हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे हम लड़ नहीं पाएंगे, हम लड़ सकते हैं, ये दूसरी फीलिंग थी। ठीक है, तीसरी कि हमें अपनी लड़ाई क्रांति से नहीं लड़नी है, हमें अपनी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से लड़नी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार करो, आप जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी आई आपके अंदर संगठन बनाने की। तो आप देखेंगे 57 के बाद 85 तक 30 सालों में क्या बन गया, कांग्रेस बन गई, उससे पहले कई और संगठन बन चुके थे, और भारत में संगठन बनाने की परंपरा इसी के बाद से शुरू हुई। तो वो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी थी। सेकंड, मैंने कहा लड़ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि हम लड़ाई क्रांति से नहीं जीतेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और लोग इकट्ठा करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो आप देखेंगे 57 से लेकर लगभग 1900 तक कोई क्रांति नहीं होगी, केवल भारत के लोग संवैधानिक संस्थाओं में भारतीयों के प्रवेश के लिए लड़ेंगे, सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश के लिए लड़ेंगे,
विधायिका में, कार्यपालिका में, भारतीयों की संख्या के लिए लड़ेंगे, बजट पर क्वेश्चन पूछने के लिए लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी पार्टी ऑफ कंसियसनेस थी, क्योंकि समझ में आ गया था कि क्रांति में हम इन्हें अभी हराने की स्थिति में नहीं। ठीक है, इसलिए क्या समझ में आ गया कि आगे हम जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होने देंगे अपना। ये अलग बात है कि हम समझ तो गए लेकिन फॉलो नहीं कर पाए, या ब्रिटिशर्स ने फॉलो नहीं करने दिया कि हमें एकजुट होकर लड़ना पड़े। तो कांग्रेस ने और बाकी संगठनों ने हमेशा कोशिश की कि हमें बंटवारा नहीं हो, लेकिन जिन्ना जैसे लोग या सैयद अहमद खान जैसे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैक्सिमम ने मानी इस बात। अच्छी चीज, ये बहुत कम किताबों में है, वैकल्पिक राज्य सत्ता, ऑल्टरनेटिव स्टेट अथॉरिटी की संरचना को देखा दी, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 1-2 सालों में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, खासकर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 अपने आप में क्वेश्चंस बनेंगे। वैकल्पिक राजसत्ता क्या है? तो उसकी छोटी सी कहानी है कि जब दिल्ली पर कब्जा हो गया विद्रोहियों का ना, तो बख्त खान लीड कर रहा था, और बख्त खान ने 3 महीने तक शासन किया वहां, और 3 महीने तक दिल्ली अंग्रेजों से रहित थी लिटरली। तो सोचो कि वो क्या सोच रहा होगा कि क्या करना है। उसने तुरंत एक खाका तैयार किया, एक नया ड्राफ्ट किया स्टेट का, कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे ही बने रहे, ऐसे अंग्रेजों से फ्री हो जाएंगे, और अगर बन गए, फ्री हो गए, तो हम ऐसा स्टेट बनाएंगे जिसमें ये चीजें शामिल होंगी। तो वो क्या क्या शामिल होंगी, वो जरूरत आपको नहीं पढ़ने की बहुत ज्यादा, वो ऑप्शनल वालों का काम है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय भारतीय उम्मीद करने लगे हैं, कुछ भारतीय, खासकर वो जो अंग्रेजों को हरा चुके हैं कुछ समय के लिए, वो एक ऑल्टरनेट डेवलप बनने की बात कर रहे। तो जाहिर सी बात है, कौन सा ऑल्टरनेट होगा जिसमें मुगल एम्परर की कमियां और ब्रिटिश शासन की कमियां नहीं हों, उनसे फ्री होना चाहिए, यानी कुछ नई चीज दे रहे होंगे वो, है ना। तो कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि वो क्या क्या आप सोच रहे थे उस समय, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ इतना समझ लो कि एक अच्छा शासन के बारे में सोच रहे हैं। जो भी क्रांतिकारी हैं उन्हें लगता है कि अगर हम जीत गए, स्थायी रूप से जीत गए, तो हम एक नई स्टेट क्रिएट करेंगे और नए स्टेट में अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। 1857 के अकॉर्डिंग के टाइम में किसी भारतीय के द्वारा ये सब सोचना वाकई ही एक अच्छी चीज थी, क्योंकि भारतीय उस तरह से आज भी लगता है कि अवेयर नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आप वो ड्राफ्ट देखते हैं तो लगता है कि यार उस समय भी भारतीय लोग इतने मॉडर्न है, इतनी अच्छी चीजें सोच सकते। ठीक है, तो एक्चुअली ये पॉइंट इसी में आना चाहिए था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का। तो अलग बिंदु नहीं है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई तो सही बात है, लेकिन उसमें एक ऑल्टरनेट डेवलप करने की बात आई, ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, और दिल्ली की स्ट्रक्चर में चीज हमें साफ साफ दिखाई देती है, बाकी जगह तो उतनी नहीं है। ठीक है, तो इसका फायदा आगे चल के क्या होगा कि भारतीयों को अगर मौका मिले तो वो एक नया अच्छा स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, यही फीलिंग जब आप देखेंगे साइमन कमीशन के जाने के बाद, जब नेहरू रिपोर्ट आएगी, तब भी यही फीलिंग आएगी कि जब हम 1857 में एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो साइमन कमीशन के विरोध में हम अपना संविधान क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, ये है उसका मूल्यांकन। तो अंततः क्या लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। ठीक है, पॉइंट्स में से सारे क्लियर होने चाहिए। अब नहीं है तो अभी पूछ लेना, कब तक पूछ लेना, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा इसको समझना। ठीक है, तो अंततः आप क्या लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष लिखना ही है कि इस सभी विश्लेषण से सिद्ध हो जाता है कि ये केवल सिपाही विद्रोह तो नहीं, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार मानते हैं, उन्होंने इसको कम आंका है, और उसका कारण भी दिखाएं, तुरंत लिखें, फ्री का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि ये एक सुनामी की तरह था जिसमें हम लगभग सब कुछ खो चुके थे, लेकिन जमींदार रूपी दीवार ने हमें बचा लिया,
खुद कैनिंग का स्टेटमेंट है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि केवल सिपाही म्यूटिनी तो नहीं हो सकती, है ना, ये लिखेंगे साथ। ठीक है, आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेंजामिन डिजराइली ने कहा था कि इस रिवोल्ट की जो नेचर है वो नेशनलिस्ट लेवल की है, इसलिए कि उसे पाई म्यूटिनी नहीं। ये बात खुद दो अंग्रेजों ने कही, तो इससे हमें भी बेस मिल जाएगा कि ये केवल सिपाही म्यूटिनी नहीं था। ठीक है, तो यानी व्यापकता है इसमें। दूसरा, क्या ये राष्ट्रीय स्तर का था? तो वहां हम जरूर कहेंगे कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित था पूरे भारत की तुलना करें तो। लेकिन जब प्रभाव देखेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय था। साफ साफ लिखना, क्षेत्र के आधार पर, भागीदारी के आधार पर अगर देखेंगे तो उसमें नेशनलिस्ट नेचर नहीं है, मतलब पूरे भारत के लोग शामिल नहीं है, खासकर बंगाल का इंटेलेक्चुअल क्लास, कल भी हमने देखा था, जिसको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है। लेकिन इससे जो प्रेरणा मिली वो उस सेंस में जरूर राष्ट्रीय है, या किसान, जमींदार, राजा, आम जनता सब लड़ रही हैं, जिस एरिया में लड़ रहे हैं उस सेंस में राष्ट्रीय है, अल्टीमेट नेशनलिस्ट नहीं। अगला, क्या ये आजादी का आंदोलन था? नहीं, 1947 की आजादी की तरह ये आंदोलन तो नहीं था, क्योंकि कोई भी अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं भगाना चाहता, सभी लोग अंग्रेजों से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनसे मुक्ति चाहता है, चाहे रानी झांसी राज्य चाहती हैं, नाना पेशवा अपना पेंशन चाहते हैं, है ना। तो उस सेंस में हम ये नहीं कह सकते कि ये आजादी का आंदोलन था। ठीक, हाँ, पहला आंदोलन जरूर कह सकते हैं, ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूर कर दिया कि वो अपनी नीतियों को बदले, और उन्होंने बदला, जैसा कि आपने क्लास की शुरुआत में देखा था। तो जिन बदलावों को लेकर, चाहे वो बदलाव डिक्लेयर्ड नहीं थे चेंजेस, लेकिन उन बदलावों के सापेक्ष अगर देखें तो जो बदलाव आए बाद में, तो कहीं ना कहीं इसी क्रांति का परिणाम था, और यही उन क्रांतिकारियों की जीत भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े और भारतीयों के प्रति उदार नीति लानी पड़ी, चाहे दिखावे की सही लेकिन वो लेकर आए। ये आपका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन समझ में अच्छे से आ गया होगा, वहां आपको 200 शब्द ही मिलेंगे लिखने के लिए। इतने मैटर को पढ़ने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इसे 200 शब्दों में समाप्त करें, आसान नहीं होगा लेकिन अगर कर लेते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1857 की रिवॉल्यूशन अब टोटली कंप्लीट है हमारी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तो फिर कल शुरुआत करते हैं सोशल रिफॉर्म से, समाज सुधारों से। रहने सर, कल की क्लास कोई मिस मत करना, कल का टॉपिक भी आज की तरह इंपॉर्टेंट होने वाला है, पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसा। ठीक है, फिर तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास अच्छी रही होगी, समझ में आई होगी। कल यस सर। मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू सर। वेलकम।